हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा सर, लेकिन हमारा वीडियो कुछ और ही हटके रहता है। मेरे वीडियो में ना कोई अश्लीलता रहती है, ना कोई तामझाम रहता है, ना कोई पॉलिटिक्स रहता है। तो शायद हर लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आता है। आज का जनरेशन ऐसे वीडियो को क्लिक करके फिर उसको छोड़ के जाना ही पसंद करती है। अगर ये वीडियो आप देखोगे तो शायद हम जो सोचते हैं और हमने जो देखा है आप भी वो देख पाओगे। तो आज हम चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं कि इंसान हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए वो बच्चे ही रहता है। हाउ मेनी ओल्ड आर यू, आप पूछते हो कि आप कितने साल के बूढ़े हो। बूढ़ा कोई भी नहीं होता है, हमेशा उसके अंदर बचपना ही रहती है। और कौन सी हरकत बड़ा आदमी नहीं करता है जो बच्चा करता है, बताओ। बच्चा भी कोई चीज देखेगा क्षणभंगुर चीज तो उसके पीछे भागेगा, और आदमी भी जो क्षणभंगुर देखते हो तो उसके पीछे जाते हो। उसमें आप में क्या फर्क है? एक छोटा बच्चा भी एक सुंदर चीज देख करके उसको जिद करता है लेने के, ले लू ये ले लू। और आपकी घरवाली जब शॉपिंग सेंटर में जाएगी, अगर उसको कुछ पसंद आए तो, चाहे एज 60 साल का भी हो या 50 साल का हो या 40 साल का, जिद करेगी ये लेना है। चाहे कुछ नेकलेस पसंद आ जाए, चाहे कुछ रिंग पसंद आ जाए। तो एक चीज बताइए कि वो बच्चे में और बड़े में क्या फर्क है? आप कहीं जाते, आपका के छोटा बच्चा कहीं जाते आए मेला में या दुकान में, तो जो चीज अच्छी दिखती है चमक तमक, तो उसके पीछे दीवाना हो जाता है लेने के लिए। और आप भी कहीं जाते हो, किसी का अच्छा घर देखते हो तो बोलते हो काश मेरा भी घर ऐसा होता। आपका भी बचपना ही तो है, आपकी कैपेसिटी नहीं है लेने की, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, वहां तक सोच भी नहीं सकते हो। जिस तरह से बच्चा के पास तो पैसे नहीं है फिर भी वो सोचता है कि वो लेने के लिए, और आपके वही दशा आपको ही होती है। आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो बिल्डिंग बनाने को सोचने लगते हो, नकल करने लगते हो। बच्चा भी किसी का नकल करता है, जैसे आप चलते हो वैसे आपका बच्चा भी चलता है। अब एक चीज बताइए, आप किसी का बेटा है तो बाप जैसे चलता है, पीछे से देखोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये जो उसी का लड़का है, क्योंकि बाप भी उसका इसी तरह से चलता था, ये भी ऐसा ही चल रहा है। ये क्या है? तो फिर बच्चे और बूढ़े में अंतर कहाँ है? जी वो काम बचपन में करते थे आप, वही काम बड़े होने पर भी कर रहे हो। बचपन में भी किसी को मार के आ जाते थे और खुद मार करके खुद रोते थे, आज भी वही काम करते हैं। किसी को पनिशमेंट देते हो, किसी को गाली देते हो और फिर आकर के पछताते हो। तो क्या बचपन में अभी में फर्क है? कल भी गाली गलौज करते थे, आज भी गाली गलौज करते हो। कल भी किसी का नुकसान करते थे, कोई किसी का तोड़ देते थे, आज भी तोड़ते हो। तो ये चीज बताइए कि बड़े और बचपन में क्या फर्क है? इंसान जो है हमेशा बच्चा है। अभी वो कुछ उसको खाने का चीज दिखाई दे दिया, जलेबी या रसगुल्ला या रसमलाई, तो बच्चा जिद करेगा मैं लूंगा ही। लेकिन आप भी जब मार्केट में जाते हो कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी, रसगुल्ला गुलाब जामुन, आपको डायबिटीज है फिर भी आपको खाने को जिद तो करता ही है, और आप किसी के नजर छुपा के खा ही लेते हो। तो आप में और उसमें फर्क क्या है? है फर्क। तो इंसान जो है कल भी बच्चा था और आज भी बच्चा है, कभी कभी भी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। अब एक चीज बताइए, आप
आपको बोलता हूं कि आप बड़े हो तो क्या लक्षण है आपके अंदर बड़ापन का? आप एजेड हो क्या लक्षण है आपके? एक बच्चा आया उसको टॉफी देके कोई फुसला दिया, उसके बातों में उसके चला गया। आपका भी तो कोई कस्टमर आता है, आपका कोई रिलेटिव आता है, 10 किलो मिठाई ले जाएगा, उसको 20,000 रुपया चाहिए तो 10 किलो स्वीट लेके आएगा और आपके बीवी के लिए सूट लेके आएगा और आपके बच्चे के लिए कपड़े लेके आएगा। कोई रिलेटिव आपसे 50,000 रुपया उसको चाहिए तो क्या करेगा? आपके घर पे सडनली मेहमान बन के आएगा और आपके जितने फैमिली रहेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आ जाएगा। लेना है उसको 50,000 और 5,000 खर्च करके आएगा आपके पास, ध्यान रखना। फिर आप को जब वो खर्च कर देगा, आपको गिफ्ट लेके आएगा, फिर उसका आव भगत करोगे, अब फिर जाने के टाइम में बोलेगा, भैया जी मैं एक स्कीम में जा रहा हूँ, एक बिजनेस प्लान किया था, और उसकी बीवी आपकी बीवी से बात करेगी, बहन जी हम लोग आए थे ऐसे ही, लेकिन सोचे कि आपसे कुछ हेल्प मिल जाता और आपके पास तो भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। अब हमारा हस्बैंड जो है एक बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें एक 50,000 रुपये की खर्च कमी पड़ रही थी, साथ ही जा रही थी, और वो 50,000 रुपया मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा दिन हम लोग रुकेंगे, और 50,000 तो आपको 2-3 महीना में वापिस भी कर देते हैं। अभी देखते हो कि यार बंदा ने कुछ तो है इसके पास, इतना सामान लेके आया, इतना गिफ्ट लेके आया, उधर बच्चे गिफ्ट लेके खुश है, उधर नजर जाती है आपकी बेटी पे, उसको बेच कितना हमारे इनके आने से हमारे बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, तो चलो इनको भी हम खुश कर देते हैं। ठीक है महान जी, आपका समझो काम हो गया, आपको 50,000 चाहिए ना, चलिए आपको मैं 60,000 देता हूं, लेकिन आपका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, चलिए हम बना लेते ना। मेरे से मेरे को मालूम है, अगर आपको इससे तो मेरे पिता हस्बैंड आपके हस्बैंड से बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहन जी मालूम है ना कि सबकी चाबी जो है बीवी में रहती है, थोड़ा कोशिश कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो बीवी क्या करती है, हस्बैंड को जाकर की मारते, अरे देखिए जी ये लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग के आए पास आए, इतना सारा गिफ्ट लेकर आए, 50,000 देंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आपको कमी क्या, और 50,000 दे देता है, उसके बाद वो बंदा कभी आपको दिखेगा ही नहीं। तभी बच्चा ये कि बच्चे में जो चॉकलेट आज बता रहे ठीक है क्या, ये चॉकलेट लो बेटा, और बच्चा आपके दीवाना हो गया, ये आइसक्रीम ले लो, बच्चा आपके दीवाना हो गया। तो आप में और वो छोटा सा बच्चे में कुछ फर्क दिखाई दिया? आप मेहमान को गिफ्ट ला करके आपके साथ वो किया, तब इतना इमोशनल हो करके आप 50,000 रुपया दे दिए, कुछ सोचा भी नहीं, जिस तरह से बच्चा चॉकलेट लेकर के कुछ सोचा ही नहीं, बस समझ में आ गया। तो आप में और वो बच्चे में क्या फर्क है, कुछ फर्क है? बच्चा भी टाइम नहीं दिया, तुरंत चॉकलेट देके जो आप बोले काम कर दिया, और आपने भी वही चॉकलेट रूपी गिफ्ट लेकर के उसका काम कर दिया, तो आप में और उस बच्चे में क्या फर्क है? आप बोलते कि मैं बड़ा हूं, मैं किसके बाकाम नहीं, जैसे मेरे जैसे आदमी जो है 46 ईयर का आदमी बेवकूफ बन सकता है, आपके सामने आकर के कोई बेवकूफ बना के चला जाता है, तो क्या मैं बच्चा हूं? आप बोलते कि मैं बच्चा हूं क्या, तुम्हारे बातों में आ जाऊंगा, लेकिन मैं हूं बच्चा। आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप बड़े नहीं हो, आप मिच्योर नहीं हो, आप बच्चे हो, कि किसी भी बहकाव में आकर के किसी के किसी ने पैसे का लोभ दिया, किसी ने इंश्योरेंस का लोभ दिया, किसी ने डबल पैसे होने का वो दिया, किसी ने प्लॉट ले लो डबल पैसे हो जाएगा, और मैं भी उसी चक्रव्यूह में तो फंसा हूँ। चंदगिरी नगर में आज से 2 साल पहले एक प्लॉट लिया 80 लाख में, दिलाने वाले बोला कि महीने 50,000 बढ़ेगा, लेकिन आज भी उसी अमाउंट में बेचना बोले तो 80 लाख भी नहीं मिलता है, बात समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, लोभ जो है
बच्चे के अंदर भी थी और लोग आपके अंदर भी है। अभी आप हमारे पास कम सैलरी में काम कर रहे हो, इसका ट्रिपल सैलरी कोई देगा तो आप क्या करोगे, तड़फड़ा के भागोगे, अपने बॉस को बेवकूफ बना के निकल लोगे पतली गली से, वहां पर 50,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, 50,000 कोई 1,00,000 पर, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि आखिर वो क्या, तो आपके अंदर बचपना है नहीं है, बोलो जवाब दो, आपके अंदर बचपना है कि नहीं है? आप अपना दिमाग से कहा काम किया, मैं अपना दिमाग से कहा काम करता हूं, एक बच्चा जब था तो उसी चक्र में फंसता था, आज मैं 46 ईयर्स के होकर के भी उसी चक्र में फंसता हूं, तो मेरे में और उस बच्चे में फर्क है? एक बच्चा भी गुस्सा करता था, हम भी गुस्सा करते हैं, तो मेरे में उसमें फर्क है? वो भी सुख में पा करके खिलखिलाता है, कुछ मिल जाता तो खुश होता है, और हम भी कुछ मिलता है तो खुश होते हैं, कब दुख आता है तो रोता है, और आप भी दुख आता है तो रोते हो, तो उसमें और आप में क्या फर्क है? फर्क है। अब देखिए कहानी बताता हूं, मछली देखे हो, मछली देखे हो, कितने लोग मछली देखा है, कितने लोग मछली देखा है, खेत में देखे हो या पे दुकान पर देखे हो, खेत में देखे हो दुकान में देखे हो, तो मछली जब किधर जाती है, मछली किधर जाती है, जिधर पानी रहता उधर जाती है, जिधर से पानी आता उधर जाती है, किधर जाती है देखे हो तो बताओ, जिसे पानी आप उधर से आ रही है, अब मछली यहाँ पर पानी में है तो पानी में ही रहना चाहेगी कि जिधर से पानी आ रहा उधर जाएगी, वो किधर जाती है आप देखिए तो बताओ, बताओ हाँ, उसका बहाव है, ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ आती है, लेकिन वो पता नहीं है ऊंचाई से पानी नीचे की ओर आती है, और जब वहां पर ऊंचाई पर पानी टिकता नहीं है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं है, तो मछली क्या करेगी, जहां पर पानी में पूरा पानी में बैठी हुई है, अब बहुत पानी है, और जिधर से ऊपाई से पानी आ रहा है, और उधर ऐसे ऐसे करके चढ़ेगी, पानी यहां से भी ज्यादा उधर पानी है, और उस चिलोन लगाते हैं उसमें फंस जाती है और मारी जाती है। वही हम इंसान के अंदर फितरत है, किधर से कुछ आ गया फोकट में तो उधर चलना शुरू कर देते हैं, जिधर से फोकट में कुछ दिखाई दिया ये फोकट में आ रहा, अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, चलो साड़ियां दे रहा हूं, एक एक साड़ी दे रहा हूं, एक एक 10,000 के वोट हमको देना है। अब इंसान की फितरत ऐसी, वो मछली की तरह, वो अपना घर को बिजनेस को छोड़ के वो मछली की तरफ फड़फड़ाते हुए पानी की स्रोत की तरफ चली जाएगी, राशन मिल रहा है फोकट में, राशन के साथ साड़ी भी मिल रही है, और उसके साथ 10 लीटर ऑयल भी मिल रहा है, 5 महीने का फ्री मिल रहा है कोटा, चलो आज पूरे दिन लाइन लगाएंगे मछली की तरफ से, तो आगे जाकर मछली पूरी तरह से फंस जाती है। मेरे भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो एक चीज बताइए, एक आपकी बूढ़ी माँ भी है, आपकी दादी भी है, जब राशन कार्ड मिलता था आपको, अरे राशन कार्ड लेके जाना रे बेटा, ड्यूटी छोड़ दे, आज तुमको साड़ी मिलेगी, पूरे 4 महीने का कोटा मिलेगा। वो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी गिरा रहा है, तुम यहां पर अच्छे हो, सुकून से हो, लेकिन तुमको उस समुद्र में से, उस सुकून से तुमको पानी की धार दिखा करके तुम उसमें से निकाल के मछली की हालत करने वाला है, जो आज बीजेपी गवर्नमेंट करती है, करती है। सब घरों में बूढ़ा पेंशन दे दिया, विकलांग पेंशन दे दिया, हैंडीकैप्ट को गाड़ी दे दिया, और इतना राशन दे रहा है गांव के लोगों को कि गांव के लोग खेती करना नहीं पसंद करते। एक एक घर में 10,000 रुपया आ रहा है, तो परदेश में भी काम करके कंपनी में 10,000-12,000 रुपया आता है, तो काम कौन करने जाएगा? और आज देश की स्थिति यही है। आज भी लोग बोलते हैं कि मैं बड़े हूं, डिसीजन मेरा है। मैं बोलता हूं कल भी तुम बच्चे थे, आज भी बच्चे हो, प्रूफ करके देख लो। मैं मिथिलेश चौधरी जो बोलता हूं ना, आसमान सूरज निकलना बंद कर देगा पूरब से, लेकिन मिथिलेश चौधरी का कोई भी ऐसा बात, कोई भी माइक का लाल गलत साबित कर देगा, उस दिन से वीडियो बनाना बंद कर देंगे।
जो मैं बोलता हूं आत्मा की आवाज बोलता हूं, कहीं किताबों में पढ़ के नहीं आता। आप बहुत महंतों का अस्पीक सुने होंगे, बहुत लोगों का आप YouTube देखे होंगे, जो वहां पर फैक्ट इतनी नहीं मिलेगी। और मैं जो बोलता हूं आप जाके प्रूफ करो कि कल भी आप बचे थे और आज भी बचे हो और मरने दम तक बचे रहोगे। और बच्चे को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स।